सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। पंजाब रोडवेज के कच्चे कर्मचारियों ने आज रोडवेज का चक्का जाम कर दिया है और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। दरअसल पंजाब रोडवेज पनबस और पीआरटीसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी लंबे वक्त से खुद को पक्का करने की मांग कर रहे हैं। पंजाब रोडवेज के चक्का जाम के चलते करीब 2000 बसों के संचालन पर ब्रेक लग गया है। वहीं हड़ताल पर गए कच्चे कर्मचारियों ने विभाग के पक्के कर्मचारियों और जनता से सहयोग की अपील की है। पटियाला में भी पीआरटीसी और पनबस के ड्राइवर और कंडक्टर हड़ताल पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों ने कहा है कि वो काफी समय से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उन्हें पक्का किया जाए और जब तक उन्हें लिखित में ऑर्डर नहीं मिलता तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। वादे किए थे कि कच्चे मुलाजमान नूं पक्का किया जाऊगा, वह हले तक नहीं किया गया। वो रोस वजो सानू अज गेट बंद करने पै रहे हैं। साढ़े जिहड़े मुख मंगा ने जिहड़े लंबे समय तो साढ़े पीआरटीसी डिपार्टमेंट के मुलाजम कच्चे काम कर रहे हैं, उन्होंने पक्का किया जाए। मां जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बराबर काम बराबर तनखा लागू किया जाए। पंजाब की जनता की आबादी के हिसाब न जो सरकारी बसों की गिनती घट्टो घट अच 10,000 होनी चाहिए, वह 10,000 बसों की गिनती की जाए। संवाददाता रेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रेंद्र, विस्तार से बताइए, इस वक्त पंजाब रोडवेज का चक्का जाम है, लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उधर कर्मचारी भी धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, इस वक्त क्या स्थिति बन रही है? जी बिल्कुल, देखिए काफी जो है लोगों को इस चीज से परेशानी आ रही है, क्योंकि काफी बसें जो है बंद कर दी गई है। लोग जो है बस स्टैंड के ऊपर लगातार आ रहे हैं और उनको काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं। और इन्होंने जो मुलाजिम है इन्होंने खासतौर पर कह रही है अगर हमारे पास कोई भी अधिकारी जब तक नहीं आता तो ये हड़ताल पे रहेंगे। हरिदर, जिस तरीके से इन यात्रियों को परेशानी हो रही है, क्या उसके लिए भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? क्योंकि कर्मचारियों ने पहले ही बता दिया था कि वो धरना प्रदर्शन करेंगे और जिस तरह से ये लोग पक्के कर्मचारियों से संपर्क कर रहे हैं, सहायता मांग रहे हैं, उसका भी क्या कोई असर देखने को मिल रहा है? जी देखिए बिल्कुल, जो इन्होंने पहले जो है ऐलान कर दिया था लेकिन लोगों को इस चीज का मालूम नहीं था, इनको इसकी परेशानी जो है काफी बढ़ जाएगी। लोग तो लगातार जो है बस स्टैंड के ऊपर जो है बस लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन प्राइवेट बसें कोरोना की जो बात करें तो कोरोना की वजह से ज्यादा सवारी जो है बस पे नहीं बैठ जा सकती और लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन प्रशासन जो है लगातार इनसे बात करने की जो है कोशिश कर रहे हैं और इस चीज को जो है हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हरिंदर, लिखित में मांग कर रहे हैं ये सभी कर्मचारी की, इन्हें लिखित में आश्वासन दिया जाए, प्रशासन जो बातचीत कर रहा है क्या उससे ये संभव है कि जो ये कर्मचारी मांग कर रहे हैं उस पर कोई बात बन जाए, कोई समझौता हो जाए? बिल्कुल, जो है सुबह से प्रशासन के लोग जो है जो जब से इन्होंने कॉल किया सुबह से जो है प्रशासन के लोग उनसे बातचीत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके प्रधान है उनसे बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जल्दी इसका जो है हल हो जाएगा। चलिए अरिंदर, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। संवाददाता अरिंदर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे और जानकारी दे रहे थे। बसों के पहिए आज थम गए हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे कच्चे कर्मचारी। साथ ही साथ उन्होंने पक्के कर्मचारियों से भी कहा है कि वो उन्हें उनका समर्थन करें। हालांकि लोगों को यहां पर काफी परेशानियों का, जो दैनिक यात्री है उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी इस वक्त रोडवेज के सामने नहीं दिख रही है, जिसकी वजह से यात्री काफी परेशानी में है।